हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ वो 10th पास और 12th पास स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों जो स्टूडेंट 10th पास और 12th पास कर चुके हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। और ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है CRPF की तरफ से निकल के आई है दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से ये वैकेंसी आई है दोस्तों। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप लोगों के लिए ये CRPF में जॉब करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं इसका डिटेल पे और देखते हैं क्या क्या इसका डिटेल है। थोड़ा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, कुछ अगर छूट जाए तो आप लोग PDF को डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर अभी तक हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें दोस्तों। ऐसे में हम लोग जब भी वीडियो बनाएंगे ऐसा जॉब का नोटिफिकेशन के वीडियो हम लोग रोज़ बनाते रहते हैं, तो अगर सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबाए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोगों को मिलेगा दोस्तों, जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा मैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ जो CRPF का है, जिसका वेबसाइट दिया गया है देखिए www.crpf.gov.in दिया गया है, ये उसका वेबसाइट है। यहाँ पे विजिट करने के बाद ये आप लोगों का होम पेज ओपन हो जाएगा। हम लोग नीचे चलेंगे इस पेज का, नीचे देखिए दिया गया है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिक्वायरमेंट का दिया गया है। रिक्वायरमेंट में आप लोगों का CRPF के तरफ से जितने भी वैकेंसी निकाली जाती है यहीं पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल एक ही दिखा रहा है देखिए नोटिफिकेशन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा। ये मैसेज को आप लोग प्रोसेस आगे करने के लिए यस करने बोल रहा है, ओके यस कर देंगे तो हम लोगों का न्यू टैब ओपन हो जाएगा। इस न्यू टैब में हम लोगों का उसका डिटेल दिया गया है। नेट थोड़ा स्लो होने के चलते पेज थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है दोस्तों। तो जैसे लोड हो रहा है आप लोगों को दिखाई देता होगा और ये निकल के आ गया न्यू टैब पे हम लोगों का, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। और यहाँ पे हम लोग का देखिए दिया गया है ये वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, फीमेल के लिए कितना दिया गया है, मेल के लिए कितना दिया गया है 295 दिया गया है मेल का, 44 दिया गया है फीमेल का। और इसका PDF जो डिटेल यहाँ पर दिया गया है देखिए रिक्वायरमेंट वाला का यहाँ पर दिया गया है ये PDF। इस यहाँ पे आप लोगों को जैसे क्लिक करिएगा आप लोगों का PDF ओपन हो जाएगा। तो ये PDF मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, तो हम लोग PDF पे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। और एक नीचे में ऑप्शन दिया गया है देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई, इस अप्लाई बटन पे आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोगों को सीधे ले चलेगा उसी वेबसाइट उसी लिंक पर ओपन हो जाएगा जहाँ से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहले देखते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल क्या दिया गया है PDF ओपन करके। तो चलते हैं PDF पे और देखते हैं क्या है डिटेल। दोस्तों आप लोगों को जैसे दिखाई देता होगा ये PDF मैं पहले से ओपन करके रखा था, आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है देखिए ये इसका PDF है। हम लोग थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं यहाँ पर जैसे देखिए दिया गया है पहले सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर नेम ऑफ सेंटर स्पोर्ट टीम का दिया गया है आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है आप लोगों का देखिए वैकेंसी मेल फीमेल का, और ये वैकेंसी मेल फीमेल SC और GD के लिए दिया गया है। तो पहला सीरियल नंबर में देखिए हॉकी के लिए दिया गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए, इसमें 15 दिया गया है फीमेल में, मेल में 15 दिया गया है फीमेल में 3 दिया गया है। और एक इसमें जो दिया गया है मेल के लिए जो दिया गया है SC और GD उसका मेल के लिए हॉकी में दिया गया है। ऐसे ही फुटबॉल के लिए भी दिया गया है, फुटबॉल के लिए, ग्रोइंग के लिए, कबड्डी के लिए दिया गया है, इसमें सब कुछ जो स्पोर्टमैन है उस सब के लिए यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं ये जो टोटल दिया गया है देखिए स्पोर्ट वाला के लिए 339 दिया गया है टोटल, और उसमें दूसरा वाला जो था उसमें 20 दिया गया है मेल फीमेल मिला के 339 दिया गया है, और ये जो दिया गया है SC GD के लिए टोटल जो दिया गया है 20 दिया गया है, ये 20 दिया गया है। और नीचे
यहाँ पे देखिए पे स्केल क्या दिया गया है इसकी, इसका जो पे स्केल दिया गया है, पे स्केल दिया गया है पहला जो दिया गया है हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, उसके बाद कांस्टेबल। तो हेड कांस्टेबल का सैलरी है 25,500 से 81,100 तक, और जनरल ड्यूटी जो कांस्टेबल है उसका दिया गया 21,700 से 69,100 तक दिया गया है। इसमें अदर अलाउंस भी इस समय ऐड है होगा बोल के बताया गया है। इसमें एज लिमिट दिया गया है आप लोगों का, पोस्ट नेम जो होगा HCGD के लिए अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा के लिए जो दिया गया है 18 से 23 दिया गया है, 30/1/2019 के आधार से होगा। 12 पास इसमें मांगा गया है, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन किया मांगा गया है यहाँ पे देखिए दिया गया है। इसमें आप लोग अगर है इस स्पोर्ट में तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए CTGD के लिए जो दिया गया है इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांग, ये क्वालिफिकेशन तो इसमें मैट्रिक मांगा गया है, एज दिया गया 18 से 23 दिया गया है, इसमें मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, नोट्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पे अपर एज जो छूट वाली है ये सब के रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। देखिए रिजर्व के लिए 5 दिया गया, OBC के लिए 8 दिया गया, 10 दिया गया STSC के लिए। और इस सब का और भी कुछ रोल यहाँ पे जो दिया गया है टेबल में बना हुआ है, इतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता दिया। हाइट वगैरह के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए हाइट वगैरह भी दिया गया है, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए। मेल के लिए 170 दिया गया है, 170 और 157 दिया गया है फीमेल के लिए दिया गया है। चेस्ट के लिए देखिए दिया गया है, चेस्ट के लिए भी दिया गया है यहाँ पे, मेल फीमेल के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी, इसके आधार से आप लोग देख देख के आप लोगों का सब कुछ डिटेलिंग भर सकते हैं। और नीचे में वेट का दिया गया है, देखिए वेट में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए जो दिया गया है फीमेल के एज के हिसाब से दिया गया है, 18 से 22 वाले एज के लिए अलग है, 23 से 27 वाले के लिए अलग है, ऐसे 28 से 32 वाले के लिए है, 33 से 37 वाले के लिए है। इसमें आप लोगों का हाइट होनी चाहिए 148, और ये वेट वाला है, ये जो है आप लोगों का वेट इतने साल के अंदर इतने एवरेज में वेट होना चाहिए, और ये सब दिया है इसका हाइट। ऐसे ही इस एज के लिए ये होना चाहिए, इस एज के लिए ये होना चाहिए, आप लोगों की एज लिमिट इसके लिए ये होनी चाहिए। मेल के लिए भी ऐसे ही दिया गया है, देखिए मेल के लिए भी ऐसे ही दिया गया है, 18 से 22 तक का पहला है, फिर 23 से 27, 28 से 32, फिर 33 से 37, ये सब जो एज दिया गया है इसमें, और ये सब इसका वेट दिया गया है, इतने एज में इतनी आप लोगों का वेट एवरेज होना चाहिए। और ये लेफ्ट में जो दिया गया है ये चीज़ दिया गया आप लोगों का हाइट, इतनी हाइट में इतने एवरेज में आप लोगों का वेट होना चाहिए, ये एज वाली 18 से 22। ऐसे ही 23 से 27 वाले सब के लिए भी है, 28 से 32 का, और 33 से 37 के लिए भी यही रूल दिया गया है। तो इसके आधार से आप लोग देख लीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिया गया है, आई का भी यहाँ पे आँख का जाँच होगा, आँख का जाँच के रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे आँख का होना चाहिए, इस तरह से आप लोग अपना चेकअप करा के देख लीजिएगा और दीजिएगा, इसका फॉर्म को भरिएगा। जनरल कंडीशन दिया गया है, जनरल कंडीशन लगभग मैं सारे वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जनरल कंडीशन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है देखिए कि टैटू वगैरह ये सब तो अलाउड रहता नहीं है ये सब में, तो ये सब वाले नहीं भर सकते हैं, इसको रिजेक्ट हो जाता है बोल के दिया गया है। हम लोग नीचे और चलते हैं और देखते हैं नीचे में इम्पोर्टेंट और क्या दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई 16 नंबर में दिया गया है हाउ टू अप्लाई, इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है होगी। इसमें आप लोगों का सारा डिटेल दिया गया है किस तरह से ऑनलाइन भरना है, कब से हम लोगों का ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है देखिए 28/1/2019 ये क्या दिया गया है आप लोगों का, यहाँ पे जो दिया गया है देखिए 13/1/2019 रिस्पेक्ट टू 13/1 ये आप लोगों का डेट दिया गया, एप्लीकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन CRPS अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा, एप्लीकेशन फी इसका जो दिया गया है आप लोगों का ये देखिए रिस्पेक्ट इतने इतना 5 बजे तक एप्लीकेशन रिसीव हो जाना चाहिए 28/1/2019 तक, 28/1/2019 तक आप लोगों का 5 बजे शाम तक अप्लाई इसको कर सकते हैं बोल के डेट दिया गया है। जिसमें एप्लीकेशन फी दिया गया है देखिए 100 रुपया इसका एप्लीकेशन फी दिया गया है।
इसमें 18 नंबर में एक नोट दिया गया है, नोट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा नोट। 19 नंबर में आप लोगों का अटैचमेंट दिया गया है, आप लोगों का क्या क्या अटैचमेंट होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो जो लगेंगे यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है। देखिए कॉपी ऑफ पासवर्ड को ये सब सब सेल्फ अटेस्टेड किसके किसके साथ सर्टिफिकेट 10th का 12th का ये सब मार्कशीट वगैरह जो भी लगेंगे यहाँ पे जैसे जैसे दिया गया है डीडी बनाना पड़ेगा आप लोगों का। पोस्टल डाक से डीडी बना के आप लोगों को 100 रुपये का जो लगेगा वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। और 20 नंबर में जो दिया गया देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे पढ़ के तो आप लोगों को जो तैयारी करेंगे और जो एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आप लोगों को ईजी पड़ेगी, उसके आधार से तैयारी करिएगा तो आप लोगों को बहुत जल्द इसमें सिलेक्शन होने की चांस रहती है, तो इसको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। नीचे में और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसमें पॉइंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, तो इतना बताना तो पॉसिबल होगा नहीं। इसमें जैसे दिया गया है 22 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये 22 पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे उसके साथ में लास्ट में किस नंबर में दिया गया है, इसका वेबसाइट भी दिया गया है www.crpf.gov.in दिया गया है। नीचे में लास्ट में देखिए फॉर्म दिया गया है, आप लोगों इसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा और अच्छी तरह से एक बार भर लीजिएगा। इसमें पूरा दिया गया है देखिए, फुल नेम, फादर्स नेम, यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम, फादर्स नेम, आप लोगों को किस में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट वही चीज़। इसमें अगर हेड कांस्टेबल में कर रहे हैं तो इसमें टिक कर दीजिएगा, कांस्टेबल में तो इसमें टिक कर दीजिएगा। मदर्स नेम दिया गया है देखिए, किस कैटेगरी में आते हैं एसटी ओबीसी, यहाँ पे आप लोगों का इंडियन, इसमें आप लोग किस जाति में आते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब, मैरिटल स्टेटस सिंगल हैं कि मैरिड है, वो चीज़ यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आप लोग उसको देख के अच्छी तरह से एक बार भर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए दिया गया है, मैट्रिक के लिए देखिए दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों वो चीज़ भर लीजिए। एजुकेशन का दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, चेस्ट जितना हाइट ऊपर में दिया गया है उसके आधार से आप लोगों सबको अच्छी तरह से भरना पड़ेगा दोस्तों। और इसका एडमिट कार्ड इस तरह से रहेगा, ये चीज़ दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था कि सीआरपी की रिकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आई थी वही उसी के विषय में आज का वीडियो था दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी को ज़रूर दबाएँ दोस्तों। इसका ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही स्टार्ट हो जाता है मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी एक वीडियो बना दूँ आप लोगों को और यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दूँ दोस्तों। थैंक यू।